देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। सिंगरौली नहीं पहुंचे कांग्रेस के नाथ कमलनाथ। सिंगरौली जिले के देवसर में होना था कार्यक्रम, कमलनाथ के न आने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में छाई मायूसी। 11 बजे से 6 बजे तक कांग्रेस के नाथ को सुनने के लिए जनता चिलचिलाती धूप में करती रही इंतजार। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस नेता कमलनाथ आज शुक्रवार को सिंगरौली के देवसर में नहीं आ सके। उनके न आने से कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं स्थानीय नेता मायूस दिखे। समस्याएं तो बहुत है, क्या बेसिक मुद्दे होंगे आपको जिनको लेके आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं एक बहुत छोटा नेता हूँ, सवाल बहुत बड़ा किया है। मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, लेकिन फिर भी समाज का एक नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा, बेरोजगारी को दूर करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए जो सरकार बने कांग्रेस की। किसानों की खुश हाली का काम करना चाहिए, उनकी खून और पसीने की कीमत उनको मिलना चाहिए, और आम उनको भी लगे कि मैं इस देश का एक सम्मानित नागरिक हूं और हमारे भी जेब में कुछ पैसे हैं जिससे हम अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य अपने परिवार के जनों की सुध ले सकते हैं, और सड़क नाली पानी स्वास्थ्य शिक्षा ये सब चीजें है। और 50 साल 60 साल में हम ला के इस देश को कहां खड़ा किए हैं, ये तो झूठ बोलने में नंबर एक है। कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। ऐसा लगता है कि केवल 10-15 साल के अंदर शिवराज सिंह जी ने काया पलट दिया। अब उनसे पूछिए, इतना भ्रष्टाचार है, एक मंत्री का शिवराज सिंह जी ने भ्रष्टाचार में इस्तीफा नहीं लिया और एक मंत्री के ऊपर मुकदमा नहीं चला, जबकि 13-13 मंत्रियों की लोकायुक्त में जांच चल रही। तो हालत देखिए, मुंह में वो क्या कह रहे, जमीनी हकीकत में फर्क है। आप देख लीजिए आज जनता का सैलाब, जहां जो जनता आज आई, कम से कम 30-40 हजार जनता, ये क्या बोलते हैं, देवसर में ये इतनी बड़ी भीड़, आदरणीय हमारे नेता इंद्रजीत जी के नेतृत्व में, हमारे विधायक साथी भाई कमलेश्वर जी के आयोजन में जितना बड़ा जनसमूह आया, ये दुर्भाग्य था, हम सब लोग दुखी थे, जनता भी हमारी दुखी थी कि हमारे कांग्रेस के नेता आदरणीय श्री कमलनाथ जी नहीं आ पाए। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।